हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम आपको ये बताना चाहते हैं, और आप लोग पहले पढ़ने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बिल्कुल तैयार हो जाएं। मैं आपको समानुपात और समानुपात में मैं आपको एक एक पॉइंट को विधिवत तरीके से बताऊँगा, लो लेवल से एकदम स्टैंडर्ड लेवल तक बताऊँगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम चलिए आते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, चैप्टर हम ले रहे हैं सबसे पहले अनुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखिए भाई, इस चैप्टर के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक जाएंगे, एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा कैसे क्या है कैसे। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना, अनुपात। अनुपात को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं भैया, रेशियो। अनुपात को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेशियो। ध्यान दीजिए, रेशियो। अब ध्यान दीजिए, अनुपात पहले किसको कहते हैं, ध्यान समझ। पहले यदि दो राशियाँ दी गई हैं, दो राशि है ना, क्वान्टिटीज अगर दी गई हैं, उसमें से दो राशियों, दो सजाती राशियों की आपस में तुलना करना, ये क्या कहलाता है, कहलाता है अनुपात कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिए, मैं दो सजाती राशि जैसे मान लो यह लिख दे रहा हूँ, 12 संबंधी क्या लिख रहा हूँ, 16 लिख दे रहा हूँ, दूसरा ए संबंधी भी क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है, यह दोनों सजाती श्रेणी है। ये कैसा है, यह संख्याओं का है और ये क्या है, बीजी व्यंजकों का है। तो ध्यान दीजिए आप, तो हम पहले समझते हैं अनुपात क्या हुआ। अब ध्यान दीजिए, अनुपात का मतलब है इन दोनों राशियों में तुलना करना कि यह किससे कितना गुना है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको एक लाइन और अगर इसको मान लो डिविजिबल पहले इसको देख लेते हैं, ये भाई देखेंगे तो ये चार से डिविजिबल है, भी चार से डिविजिबल, चार से अगर ये कटेगा तो यहाँ कितना है, 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है कि कोई एक संख्या ऐसी नहीं है कि जो इन दोनों संख्याओं को काट दे, तो यानी इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात हो जाएगा वो 3 संबंधी 4 हो जाएगा। इसका मतलब यानी 3/4, यानी अनुपात का मतलब है ये, इसको आप 3 संबंधी 4 समझिए या 3/4 समझिए, ठीक है भाई। तो देखिए, हम वक्त को खराब ना करते हुए हम सीधे आते हैं टॉपिक पे आते हैं, और मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा और उसे आपको समझाऊंगा। पहले मैं उसकी बेसिक बताऊंगा, इसके बाद मैं उसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक से भी आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूटे नहीं पाएगा, ना तो कोई ऐसा बिंदु छूटेगा, ये मेरा वादा है। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए भाई, क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कि दिया है, यदि है ना, यदि यदि ए संबंधे बी इजकल टू दे दिया, 1 संबंधे 2 दे दिया, और दिया है बी संबंधे सी बराबर मान लेते 3 संबंधे 4 दिया है। तो ज्ञात करना आपको, यानी फाइंड आउट करना है ए संबंधे बी संबंधे सी का मान क्या होगा। तो डियर, पहले मैं इस चीज को मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक क्या होते हैं, इसके बाद तो ट्रिक लगाना ही है, ठीक है। तो पहले बेसिक से समझते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया क्या भैया, ए संबंधे बी इजिकल टू 1 संबंधे 2। देखिए डियर स्टूडेंट, पहले मैं बोला हूँ कि आप कापी पेन को लेकर नोट करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो देखिए, अब अगला है बी संबंधे सी है, और वो बी संबंधे सी का मान कितना है, 3 संबंधे 4 है। अब ध्यान दीजिए, बहुत लोग क्या करते हैं, गेस करते हैं यानी अनुमान लगाते हैं कि ए का मान यहाँ 1 दिया, यहाँ पे बी का मान 2 दिया, यहाँ पे बी का मान 3 दिया, यहाँ पे बी का मान क्या, 4 दिया। तो बाबू, हमको निकालने के लिए क्या करा, ए संबंधे बी संबंधे सी की बात कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो ऐसे हम समझ लेते हैं भैया कि ए का मान कितना है, 1 है 1 ले देते हैं यहाँ पे इसे। अब ध्यान दो, सी का मान कितना है, 4, यहाँ पे हम 4 ले देते हैं। लेकिन बाबू, हमको बी में कन्फ्यूजन है कि बी का मान यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है। तो कैसे भी करके अगर यह मान, यह दोनों मान अगर बराबर हो जाते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते, तो इसका क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं बाबू, आप यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो संख्या है उसका इधर गुणा कर देते हैं, जो ये संख्या उसका गुणा यहाँ पे क्या कर देते हैं। आपको पता है किसी भी मैथमेटिक्स का ये रूल है कि अगर किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो आप दोनों पक्ष में करेंगे, ना कि क्या करेंगे, एक में करेंगे। एक रेशियो में आप नहीं कर सकते, करेंगे जब गुणा करेंगे तो दोनों करेंगे। जब आप इसका 3 गुणा अगर 1 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 = 3 हो जाएगा, अनुपात है 3 गुना कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर आप इसका 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा इसमें भी आपको करना है, तो ये जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा। अब डियर मैंने आपसे बताया कि अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए का मान यहाँ से आप गेस करेंगे तो 3 है और सी का मान यहाँ क्या है 8 है, भाई बी का मान दोनों जगह अब क्या है सेम है, यानी इस रूप का चेहरा इस रूप में आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए का मान कितना है 3 है और बी का मान कितना हो गया 6 हो गया और सी का मान कितना हो गया 8 हो गया। यह तो था बेसिक, यानी इस क्वेश्चन का सबसे शानदार आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करते हैं। देखिए ट्रिक क्या करती है, जैसे मान लो देखो ट्रिक है ना, ट्रिक ट्रिक में आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए हमसे, सबसे पहले हम इन दोनों क्या करते हैं, हम इन दोनों को लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ए संबंधे बी संबंधे एक संबंधे दो हो जाएगा और बी संबंधे सी इजिकल टू कितना 3 संबंधे कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना, ए संबंधे बी संबंधे सी निकालना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए संबंधे बी संबंधे सी को क्या करते हैं लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि जो जो ए का मान जो दिया उसके ए के नीचे लिखेंगे, बी का जो मान दिया उसको बी के नीचे लिखेंगे, सी का जो मान लिया उसके सी के नीचे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए ए का मान कितना दिया, 1 दिया है संबंधे, बी का मान कितना दिया 2 दिया है, 2 लिख दिया गया भाई, सी का मान कुछ नहीं दिया उसको छोड़ देते हैं अभी पहले वाले सीरीज में। दूसरे में आप देखते हैं, दूसरे में बी का मान कितना दिया 3 दिया है, तो हमें आप क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे और सी का मान कितना दिया 4 दिया है। अब आप इसको ऐसे कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि इस इन संख्याओं के सामने सी के सामने वैल्यू क्या है छुटी हुई है और यहाँ ए के नीचे भी एक वैल्यू छुटी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सी के सामने कुछ नहीं दिखाया जाता, सी के सामने जो खाली स्थान होता है, यहाँ पे जो खाली स्थान होगा वो उसके सामने का जो अंक होगा वही क्या किया जाएगा यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसके सामने खाली, यानी 2 के सामने खाली स्थान सी है, तो इसके खाली स्थान के सामने जो अंक दिखेगा, खाली स्थान के सामने जो भी अंक दिखेगा वही अंक आप क्या करते हैं लिखते हैं। तो सी के सी के जगह खाली है तो इसके सामने कौन सा अंक दिख रहा है 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 2 लिख दिया। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ एक नीचे एक लिखा है लेकिन एक नीचे और कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 का क्या सामने खाली है, तो जो खाली रहता है उसी के सामने इस अंक को क्या करते हैं भर दें और इन सब का आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अब अपन 3 × 1 = 3 और ये 3 × 2 = 6 और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी ये किसका मान हो गया, ए संबंधे बी संबंधे सी का क्या हो जाएगा मान हो जाएगा कि 3 × 6 = 8 है। इससे बेहतर कुछ नहीं बाबू, इससे बेहतर कोई ट्रिक नहीं है किसी भी क्वेश्चन को हल करने का। तो हमारे हिसाब से आपको यह ट्रिक क्या होगी बिल्कुल समझ में ही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर एकदम शानदार है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, उसको सिर्फ ट्रिक से ही करेंगे, आप देखेंगे उसका भी आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। आप मैंने बोला है पहले कि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे बाबू। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं इसको बदल देता हूँ। ठीक है, ये दोनों को मैं बदल देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 5 संबंधी कितना दिया 7 दे दिया और यहाँ पे 3 संबंधी कितना दे दिया गया 4 दे दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको हमको किसके माध्यम से करना है, ट्रिक के माध्यम से क्या करना है, करना ट्रिक से करना है। अब ध्यान दो, तो हमको निकालना है ए संबंधे बी, तो हम क्या करेंगे ए संबंधे बी संबंधे हम क्या लिखेंगे सी लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए ए का मान कितना है 5 है संबंधे, बी का मान कितना है 7 है, 7 लिख देते हैं संबंधे। यहाँ पे सी का मान को यही छोड़ देते हैं। अगला क्या है, बी का मान कितना है 3 है और भाई सी का मान कितना है 4 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमने उसे बताया था कि यह जो इसके नीचे जो खाली होता है, खाली के सामने जो अंक होता है वही हम क्या करते हैं, यहाँ पे खाली है, खाली के सामने अंक क्या 7 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे। 3 के सामने एक अंक खाली है तो यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा 3 भरा जाएगा और इन सब का हम क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे। अब ध्यान दो, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे लगा 7 × 3 का कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, और इस कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28 हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगर हम इसको काटें भाई, ठीक है, तो यह नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे शानदार आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक भाई, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं भाई। ठीक है, अभी ध्यान दो, जैसे अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा क्या कर रहा है कि यदि ए संबंधे बी संबंधे कितना दिया 1 संबंधे 2 दिया है और बी संबंधे सी संबंधे कितना दिया 3 4 दिया है और कह रहा सी संबंधे क्या दिया डी दिया है, आपको दिया है 5 संबंधे 6 दिया है। ठीक है, 5 संबंधे 6 दिया है, तो कह रहा है कि आपसे ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे क्या निकलना है, डी ज्ञात करना है। ठीक है, अभी मैं आज आपको बेसिक ही बता रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे लेवल को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब ध्यान दीजिए,
तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले बताया कि ए के नीचे क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, बी का मान कितना है, दो लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगला बी के नीचे क्या है, अगला भाई ये सब बातें नहीं पड़ती हैं, नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे। अब फिर अगला कंडीशन क्या है, बी संबंधी सी, यानी बी का मान कितना है, तीन है, और सी का मान कितना हो गया, सी का मान यहाँ पर कितना है, चार, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चार लिख देंगे। फिर आगे सी का मान कितना है, पाँच है, ठीक है, हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर सी का मान पाँच लिखेंगे, संबंधी डी का मान कितना है, छः लिखेंगे। अब मैंने आपसे बताया था कि जैसे जान दो, अभी यहाँ पे सी के सामने यह भी खाली है और डी के सामने यह भी खाली है, तो मैंने कहा कि जो अंक खाली होते हैं, अब इसके इसके सामने क्या रखा जाएगा, दो रखा जाएगा। अब इसके सामने यह खाली, तो इसके नीचे भी क्या रखा जाएगा, दो लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक अंक यहाँ बचा हुआ है, तो तीन के सामने कोई अंक नहीं दिखाया जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तीन भरा जाएगा। अब ध्यान दो, चार के सामने एक अंक खाली दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, चार भरा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पांच के सामने कोई अंक नहीं दिखाया, इसका मतलब यहाँ पे पांच भरा जाएगा। अब इसके सामने भी कितना भरा जाएगा, पांच भरा जाएगा। फिर मैंने आपसे बताया कि इन सबका आपस में क्या करिए, गुणा कर लीजिए, ठीक है, इसका आपस में, सबका आपस में गुणा कर लीजिए। अब देखिए, पाँच तीन पंद्रह हो जाएगा, अनुपात है पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह दूनी कितना जाएगा, तीस हो गया, ठीक है। अभी देखो, पाँच चौक का बीस, बीस दूनी साठ हो गया, ठीक है, अनुपात है। अब देखो, चार छः चौबीस हो गया, चार छः चौबीस, चौबीस दूना कितना हो गया, अड़तालीस, ठीक है। अब देखो, ध्यान दीजिए, अभी आप देखें कट रहा है, देखिए भाई सब तो कटेगा, ठीक है, सब कटेगा, लेकिन ये एलिमेंट क्या करेगा, नहीं कटेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यानी इसका सबसे शानदार आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, अब मैंने आपको ये बता दिया, अब थोड़े से क्वेश्चन के लेवल और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आते हैं क्वेश्चन पे, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, ए संबंधे बी बराबर दे दिया है, तीन संबंधे कितना दिया है, पांच दिया है, और बी संबंधे सी बराबर दिया है, तीन संबंधे कितना दिया है, दो दिया है, और सी संबंधे डी बराबर दिया है, पांच संबंधे कितना दिया है, छह दिया है, और आपसे कह रहा है कि ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना भाई, ए संबंधे आपको क्या निकलना है, डी निकलना है, ए संबंधे आपको क्या निकलना है, डी निकालना है, यानी कि ए संबंधी आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है, चाहे स्मॉल लिखे चाहे कोई लिखे हुए, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले ट्रिक से ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे हम क्या लिखते हैं, डी को लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे भाई, ए का मान तीन है संबंधे, बी का मान कितना है, पाँच है संबंधे, ये सब खाली है, ये सब खाली, इसको रहने देते हैं। अब अगला कहता है, बी का मान फिर कितना है, यहाँ पे तीन है, तीन लिख दिया गया, ये खाली हो गया। सी का मान कितना है, दो है, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, दो लिख जाएगा, यानी इसके सामने का ये खाली है। अगला है, सी का मान कितना है, पाँच है, ठीक है, सी का मान कितना है, पाँच है संबंधे, डी का मान कितना है, छः है। अब आप देखेंगे बाबू कि यहाँ पे दो अंक छूटे हैं, यहाँ पे एक अंक छूटा है, फिर यहाँ पे एक, और इधर भी कितने छूटे हुए हैं, दो छूटे हुए। अब क्या भरा जाएगा, तो ट्रिक यही कहता है कि जो खाली अंक होता है उसके पहले जो होता है अंक वही भर दिया जाता है। यहाँ पे खाली अंक है, इसके पहले क्या पांच आते हैं, यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा, पांच। अब इसके आगे खाली है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या भर दिया जाएगा, पांच भर दिया जाएगा। अब मैंने कहा कि इसके सामने कुछ नहीं दिखाया जाएगा, कितना भरा जाएगा, दो भरा जाएगा। इसके सामने कुछ नहीं, यहाँ कितना भरा जाएगा, तीन भरा जाएगा। अब इसके सामने यहाँ पे पांच भरा जाएगा, और यहाँ पे भी कितना भरा जाएगा, पांच भर दिया जाएगा। अब देखिए, आप इन सबका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तीन त्रिक का नौ, नौ पच्चीस पैंतालीस, यहाँ कितना हो जाएगा, पैंतालीस हो जाएगा संबंधी। अब देखिए, पाँच पच्चीस पच्चीस, पच्चीस तीन या पचहत्तर हो गया, ठीक है, पाँच पाँच दूनी दस, दस पच्चे पचास, यहाँ कितना हो गया, पचास हो गया। इधर कितना हो जाएगा, पाँच दूनी दस, दस छः कितना हो जाएगा, साठ हो जाएगा, है ना। अगर आप इसको पाँच से अगर काटेंगे तो ये पाँच से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और पाँच से काटेंगे, क्योंकि अनुपात में आपको एक बातें बताई गई होंगी कि अनुपात एकदम सबसे छोटा मानता है, यानी उससे छोटा नहीं हो सकता है। तो ध्यान दो, पाँच से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ पच्चीस पैंतालीस। अगर इसको पाँच से काटेंगे तो पंद्रह पच्चीस पचहत्तर हो जाएगा। अब देखिए, पाँच से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा, ठीक है, समझ ले। अब इसको अगर पाँच से काटेंगे कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा।
अब देखिए कुछ इसमें संख्याएं 2 से कटेंगी, कुछ संख्याएं 3 से, लेकिन भाई अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि एक संख्या से कोई संख्या नहीं कटेगी। यानी हमारे पास आ गया ए संबंधे, बी संबंधे, सी संबंधे, डी का मान कितना गया, इतना गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि ए संबंधे डी का मान क्या होगा। तो ए का मान कितना है, 9 है, और इसका मान कितना है, 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 संबंधे कितना, 12, 3 से अगर काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना, 3 चौका 12। ये एकदम शानदार आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। अब थोड़ा लेबल हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है, ठीक चलिए स्टूडेंट आते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो दे दिया है ए बटे बी बराबर दे दिया 2/3 दे दिया है, और बी बटे सी बराबर दे दिया है, बी बटा सी बराबर 4/3 दे दिया है। तो कह रहा क्वेश्चन है, तो कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी अपान नीचे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी का मान ज्ञात करिए। तो मैंने आपसे बताया कि इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको क्या करना है, इसका चेहरा बदलना है। चेहरा अगर इसको लिखना चाहिए ए संबंधे बी बराबर लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, और इसको अगर लिखे तो लिख सकते हैं बी संबंधे सी बराबर लिख सकते हैं 4 संबंधे। अब आप इसमें टिक लगा दीजिए भाई, मैंने क्या कहा था, ए संबंधे बी संबंधे सी निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने आपसे क्या बताया था, इसको लिख सकते हैं भाई 2 संबंधे के 3 लिख सकते। यहाँ पे ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना, 3 है, इसे खाली छोड़ देते हैं। सो बी का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सी का मान कितना, 3 है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इसके सामने कोई अंक नहीं दिखाया जाता, यानी इस अंक को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अब इसके सामने कोई अंक यानी 4 यहाँ पे क्या लिखा लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए इन सब का आपस में गुणा कर लीजिए, तो 4 × 2 = 8 हो गया, और कितना 12 हो गया, और कितना जो है 9 हो गया, ठीक है। तो भाई हमको पता चल गया है कि ए संबंधे बी संबंधे सी का मान इतना है। हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। ए का मान कितना है, 8 है, बी का मान 12 है, सी का मान कितना है, 9 है। तो ए का मान हम रख देते हैं 8 + कितना हो जाएगा, 12, और हमारे पास बी का मान कितना है, 12 + कितना हो जाएगा, 12 + सी का मान कितना है, 9। यानी 12 + 8 कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 हो जाएगा, और इसको अगर जोड़ेंगे कितना, 21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एकदम शानदार आंसर है, उम्मीद करता हूँ आप सबको काफी बेहद पसंद आया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया है कि अगला क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी करते रहिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1/P संबंधे 1/Q संबंधे 1/R इक्वल टू दिया है, 3 संबंधे 4 संबंधे क्या दिया है, 5 दिया है। तो कह रहा है कि P संबंधे Q संबंधे क्या मिले, R का मान निकलिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम अगर यहाँ पे लिखें तो हम इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं भैया कि पी संबंधे, ध्यान दीजिए इस कंडीशन में हम सीधे क्या लिखेंगे, हम इसको लिख लेते हैं कि पी संबंधे क्यू संबंधे क्या लिखेंगे, आर संबंधे इसका टू लिखेंगे, 1/3 लिख देंगे, और इसको लिख देंगे 1/4 लिख देंगे, संबंधे क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, हमको पी संबंधे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने आपसे क्या कहा कि इन संख्याओं का आपको क्या निकालना होगा, ध्यान दीजिए इन संख्याओं का हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा इन जो संख्या नीचे। तो अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 4 × 3 = 12 × 25 कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 हो जाएगा। अब 3 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 20 लिख देंगे संबंधे। अब 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा भाई, 15 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा, 15, और इसको 5 से अगर करेंगे कितना जाएगा, 12, ठीक है। तो यानी अब देखिए ये जो एलसीएम, इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, बाद में हम इसको लिख देंगे पी संबंधे क्यू संबंधे, आर का मान कितना है, 20 संबंधे कितना है, 15 संबंधे कितना है, 12। अब आपसे क्या कर रहा है कि पी संबंधे क्यू संबंधे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन दिया है 6a बराबर दिया है 4b बराबर दिया है 9c है तो ए संबंधे बी संबंधे सी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम ऐसे लिखने के बजाय इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 6a बराबर में इसको क्या लिखते हैं 4b बराबर क्या लिखते हैं 9c, इसको आप कुछ के मान सकते हैं, हमने इसको कैसे मिले एक मान लिया। अगर आप यहाँ से अगर सुनिए भाई अगर एज कल टू अगर निकालेंगे तो एज कल टू निकालेंगे तो कितना जाएगा 1/c हो जाएगा, बी बराबर निकालेंगे कितना जाएगा 1/4 हो जाएगा, और सी बराबर निकालेंगे तो 1/ कितना जाएगा 9। आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए का मान कितना जाएगा 1/6 हो जाएगा, बी का मान 1/4, सी का मान कितना इतना हो जाएगा। तो अब देखिए अगर इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए संबंधे बी संबंधे सी का मान कितना जाएगा 6 हो जाएगा, संबंध 1/4 हो जाएगा, संबंध 1/ कितना जाएगा 9 हो जाएगा। अब मैंने आपसे वही रूल बताया कि इन सब का क्या निकालना होगा, एलसीएम लेना होगा। अगर इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे कितना बढ़ जाएगा 6 बढ़ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 9 बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसको 9 से अगर करेंगे कितना जाएगा 4 बढ़ जाएगा, यानी अगर हम इसको लिखना चाहें ए संबंधे बी संबंधे सी अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 6 संबंधे 9 संबंधे क्या लिखेंगे वो लिखेंगे। यह इस क्वेश्चन का कहता हूँ शानदार आंसर है भाई। अब देखिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी बेहद पसंद आया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज अपने क्लास का ये नॉर्मल पॉइंट जो थे इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कल क्वेश्चन जो होंगे इससे थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होंगे, मैंने बताया ना आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, उसमें आप बिल्कुल मत घबराइए कि इतना ये सरल है या ऐसे वैसे, क्योंकि जब धीरे धीरे अभ्यास से ही क्या करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत होगा, ठीक है। थैंक यू भैया।